हम लोग स्कूल से तो आ चुके हैं, पर आयुष्मान की तबीयत खराब हो गई, उसको सर्दी खांसी हो गई है। तो गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि अष्टमी भी है। तो यहाँ पर कृष्णा अंधेरा बहुत ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। चक्कर आ गया क्या? हाँ चक्कर आ रहा है। तो स्मूथ पीना है कि नहीं? ले, तुमको तो सर्दी हुई है, तुम तो नहीं पियोगे। दीदी के लिए लाना है, मैं भूल गई थी ना, अभी ला रही हूँ जाके। तुमको नहीं चाहिए? चाहिए क्या? सर्दी नहीं हुई है? अच्छा ठीक है, लेके आती हूँ। मैं लेके आती हूँ, ठीक है, बाय बाय। तो गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन मैं नज़दीक से करवा दे रही हूँ। तो क्या हो गया? ये कृष्णा जी और राधा रानी और साथ में बजरंग बली भी। अरे गणपति बप्पा और माता रानी कितने बड़े बड़े लग रहे हैं इसमें। ये मैंने स्मूथ ले लिया है आयुष्मान के लिए, लवली के लिए लिया है, उसको पर्स में डाल दिया है। तो अभी चलो चलते हैं। तुमको तो सर्दी हुई है, नहीं पीना चाहिए तुमको। पीना है, चलो पी लो। चलो चलते ऊपर चलते, चलो पीते पीते चलेगा ऊपर। हाँ चलो जल्दी आ जाओ, चलो मैं जा रही हूँ। हालत खराब है, आ जाओ बेटू। थैंक यू। ये पड़ोसियों को दे देती हूँ, पड़ोसियों से कभी कभी लेती हूँ ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज जन्माष्टमी है तो इसलिए अभी रात हो चुकी है, मैं रेडी हो गई, पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हूँ। ये मैंने साड़ी पहन लिया है और ये वाला ब्लाउज पहना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाप रे, कैमरे में तो और अच्छा लग रहा है। और अभी रेडी हो रही हूँ क्योंकि बिंदु के घर पे जाना है, वहाँ पर उसने पूजा रखी है। तो जाते हैं हम लोग, और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण जी आज उनका जन्म होने वाला है। बाल वाला भी झाड़ लिया है, सोच रही कैसा हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, इतनी गर्मी लगती है, बाल ऊपर करके बांध लेती हूँ। तो बड़ी मेहनत से हेयर स्टाइल करो, फिर उसके बाद बाल ऊपर करके बांध लो। तो मेकअप करके रेडी तो हो चुकी हूँ, देखती हूँ कुछ स्टाइल स्टाइल कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ रेडी होके, क्या करूँ। लवली मुझे बोल रही है कि इतनी रेडी होके मत जाओ, पर मुझे आज पहली बार मौका मिला, इतनी रेडी हो गई हूँ। माय गॉड, बहुत प्यारी लगती हूँ मैं तैयार होती तो, सच में बहुत प्यारी लगती हूँ। पता नहीं लोग क्यों नहीं कमेंट करते हैं मुझे, क्या बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। पर बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं। लवली जरा एक फोटो खींच दो बाबू के साथ में मेरा। लवली लवली, बाबू के साथ में मेरा फोटो निकालना। इसका नेकलेस पहनने का था पर मुझे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सजा तो नहीं रहा इसके ऊपर पर अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये नहीं भी पहनूंगी तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इतना हैवी सब कर लिया है। बिंदु देखेगी तो बोलेगी ओह माय गॉड ये क्या है। क्या करूँ, निकाल दो कि पहन के रखूँ? लवली पहन के रखूँ बेटू, क्या निकाल दूँ? रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ। बेटू पेच निकाल, उठा के देना कान का पेच। चलो हम चलते हैं, बाय बेटू। डॉली उठ जाएगी तो उसको खाना खाने के लिए बोलना। इतनी रेडी होकर कहीं जा रहे हैं बाहर। आयुष अभी मेरा चल रहा है, इसको तो बुखार भी है, दवा दे दिया है मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे की हालत थोड़ी ख़राब है, तो लेके जाऊंगी साथ में। गणपति पापा के और माता रानी के दर्शन किए हैं आप लोगों ने, चुका है कोई सिर्फ आयुष्मान जा रहा है मेरे साथ में। तो हम लोग बाहर निकले तो ऑटो खाली हो रही थी, तो हम लोग उसमें बैठ पहुँच गए यहाँ पर। और यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, पूजा पाठ हो चुका है, और यहाँ पर भगवान जी के लिए भी आसन वगैरह बिछा दिया गया है। भावना मेरी तरीके कर रही है पर कैमरा कर रही है। अच्छा से तैयार हो, लगनी चाहिए मेरी फ्रेंड है। तो अभी हम लोग रेडी होके, मैं तो रेडी होके आ गई हूँ, ये लोग रेडी हो रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग भजन कीर्तन करेंगे। फिर 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उसके बाद में पूजा पाठ होगा। और यहाँ पर बिंदु ने टीवी पे भजन लगा के रखा है, तो बाहर सोसाइटी में बच्चे लोग सब सुन रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, क्योंकि आज बच्चों लोग का दिन है तो बच्चे लोग इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर अभी भगवान की पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं, ये सब करने के बाद में फिर हम लोग भजन करेंगे।
तो ढोलक वगैरह भी है, सब कुछ है, क्योंकि हमेशा महाशिवरात्रि वगैरह पे लगता है, तो इसलिए सब तैयारी हो गई है और भजन भी स्टार्ट है साथ में। तो यहाँ पर अभी बिंदु सब सजा धजा रही है, पहले से भावना से सजा के रख चुकी है, पर और भी थोड़ा बहुत सजा धजा रही है। और उसके बाद फिर हम लोग भजन में लग गए हैं। आयुष्मान की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा उसका फेस डाउन है। बार बार उसको हम लोग ये लोग बोल रहे हैं, मैं तो मुझे पता है उसकी तबीयत ख़राब है, पर वो थोड़ा सा आँख वाँख उसकी लाल हो गई है बुखार की वजह से। दवा पिला के लेके आई थी, पर फिर भी उसको बुखार चढ़ा हुआ है। बच्चे लोग को उससे थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, अभी भगवान जी की बात है तो करना है, इसलिए हम लोग अभी कर रहे हैं। खासकर ऐसा हमेशा होता है कि जब कुछ पूजा पाठ वगैरह रहता है तो बच्चों की तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाती है, किसी न किसी की तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाती है। कि बोलते ना मंगल काम में कुछ अमंगल हो जाता है, पर कोई नहीं, भगवान के नाम पे सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ पर सारा काम हो चुका है, अभी भगवान जी का जन्म भी हो चुका है, आरती वगैरह भी हो चुकी है, और बहुत ही प्यारे लग रहे, बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हम लोग ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। फिर भगवान जी को माखन मिश्री वगैरह खिला के, झूला उला करा के, आरती वगैरह करके सब कुछ हो गया अच्छे से, बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा कुछ होता है फंक्शन वगैरह कुछ तो बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट मोमेंट पर डिसाइड किया था बिंदु ने, पहले से तैयारी करके नहीं रखी थी, उसने बोला कि नहीं अब मैं इस साल से जन्माष्टमी की भी पूजा करूंगी, तो हम लोग ने फटाफट सब कुछ तैयारी की और हो भी गया सब अच्छे से। कैसे पूजा हुई है, कैसे भगवान जी जन्मे हैं, वो सब दिखाती हूँ आप लोगों को। कैसे हुआ है सब आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि ब्लॉग बन चुका है और मेरा फ़ोन बार बार भर जा रहा है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा कम वीडियो बनाना है। और अभी हम लोग थोड़े से फोटोज़ निकालेंगे, मैं और बिंदु। आ जा रहे बिंदु की हालत ख़राब हो चुकी है, उपास भी है बिंदु का, मेरा उपास नहीं रहता है क्योंकि मैं नहीं रख पाती हूँ, बड़ा शरीर से दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग फोटो वोटो निकाल लेते, उसके बाद मैं घर पे जाती हूँ, फिर घर पे मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं और मैंने चेंज भी कर लिया है, आयुष्मान फेवरेट कार्टून देख रहा है, क्या नाम है इसका, सिम्बा। मैंने खाना वगैरह खा लिया है और अभी हम लोग सोने जा रहे हैं क्योंकि 1:30 बज चुके हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना अपना ध्यान रखिए।